कि मैं सदा ये मानता हूँ कि भगवान की दया से ये सब कुछ होता है। यू आर द चोजन वन। अभी देखिए बहुत सारे आर्टिस्ट होते हैं, बहुत अच्छे अच्छे कलाकार हैं, और अगर भगवान आपको चुनता है, आगे करता है कि ताकि आप नाम कमा सकें, आप कुछ यू नो लोगों को एंटरटेन कर सकें, उनका दिल बहला सकें, इससे बढ़िया कोई बात नहीं हो सकती। एंड आई एम वेरी हैप्पी। मैं जब शुरुआत की थी तो मैं बॉलीवुड में तो था नहीं, मैं तो अपने बॉम्बे वाइकिंग्स के नाम से अपने एल्बम्स करता था, और मुझे ऑफर्स आई, मैं इंडिया में रहता नहीं था तो इसलिए ऑफर्स ज़्यादा आई नहीं, क्योंकि लोग सोचते थे यार उसको टिकट देनी पड़ेगी आने की, फिर होटल देना पड़ेगा। सो एक बार जब लोगों को पता चला कि मैं बॉम्बे में शिफ्ट हुआ हूँ, आज से कोई 17 साल पहले 18 साल पहले, तो फिर मुझे ऑफर्स आनी शुरू हो गई। कुछ गाने मैंने, जब मैं इंडिया में नहीं भी रहता था तब भी मैंने एक दो गाने गाए। एक तो गाना था, एक फिल्म थी प्यार के सुपरहिट फॉर्मूले, उसमें कोई मुझे गाना तो याद नहीं रहा, कभी फूल देना मनाने के लिए कुछ इस तरह का था, नीरज से गाना करना है, वो फिल्म थी कॉड टू सी ग्रेट, तो मेरा एक श्रेया का गाना था तो वो किया, वो भी नहीं आया। फिर उसके बाद और गाने आए और धीरे धीरे करके, और फिर शंकर एहसान लॉय के साथ हे बेबी भी गाया, पहले गाया था हे बेबी गाया, उसके बाद मैंने गाया था ये, मैंने सबसे पहले गाया था झूम बराबर झूम फिल्म के लिए, टिकट टू हॉलीवुड, तो उसके बाद उनके साथ सिलसिला जारी हो गया। फिर उसके बाद टी सीरीज़ के जो भूषण भाई हैं, भूषण जी, उनका फ़ोन आया, उन्होंने मुझे, फिर प्रीतम का फ़ोन आया कि प्रीतम ने गाया कि बहुत वॉइस इज़ वंडरफुल अमेजिंग म्यूजिशियन, मैं क्या कहूँ, उसने भी मुझे बहुत पुश किया है, मुझे बनाया है, उनमें बहुत लोगों का हाथ है, विशाल शेखर भी है, उनके साथ भी काम किया, सभी बड़े। उस वक्त वो ज़माना था नदीम शर्मा जी का, आनंद मिलन भाई का, बहुत सारे और थे जो लोग, उनका था अनु मलिक का तो काफ़ी देर से दौर था ही, तो उनके लिए तो गाने नहीं गाए, अनु मलिक के लिए गाया मैंने, वो तो मेरा दोस्त भी है, अच्छा तो मुलाकात भी होती रहती। तो सफ़र तो बस अमेजिंग थी, एक के बाद एक गाना मिलना और एक के बाद एक हिट होना, बिल्कुल ये कोई आसान बात नहीं होती, कहना बड़ा आसान होता कि फिल्मों में गाने मिल गए। और अभी तो आज तो मैं देखता हूँ हमारे जो यंगस्टर्स हैं वो चार गाने हिट हो जाते हैं, दे थिंक दे आर सुपर स्टार्स। मैं यही कहता हूँ सबको कि सुपर स्टारडम कुछ नहीं होता है, आपको मेहनत करते रहना है हर साल हर महीना, यू नो यू हैव टू कीप ऑन वर्किंग हार्ड टू सिंग। अभी देखिए मैं काफ़ी देर से गाने नहीं गा रहा था क्योंकि मेरा वो अपना मेरी चॉइस थी, बिल्कुल मैं थक गया था गाने गाने गा के, इतने गाने गाए हर रोज़ स्टूडियो भाग कर रहना, तो मैंने कहा मैं अपना कुछ करूँगा, अपना म्यूज़िक करूँगा। तो फिर वो पैंडमिक भी आ गया, लॉकडाउन हुए, फिर उसके बाद मुझे बुलाया गया, वही भूल भुलैया का गाया था अच्छे के लिए, अब कार्तिक आर्यन के लिए गाया, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैं जब गया वो कुछ स्पेशल स्क्रीनिंग होती है भूल भुलैया की, तो मैंने कहा चलो मैं शक्ल देखता हूँ, तो ये और ग्यारह नाम है शायद तो वो, और ये अपना फ़ोटो सेशन कर रहे थे, तो मैं सीधा अपना थिएटर में सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ा और पहुँच गया, तो पीछे से मैं तो अनीस पद्मी भाई थे, इंदर कुमार थे, और जो मेरे पुराने जान पहचान के बहुत सारे हैं, फरहाद और ये वो सारे जो फिल्म के डायरेक्टर्स हैं, डेविड भैया थे, डेविड धवन ऑल दैट, तो मैं पीछे से आकर किसी ने उठा लिया, तो मैंने कहा कौन है, तो दैट वाज कार्तिक आर्यन, और दोनों पीछे थैंक यू सर यू मेड मी स्टार, इट्स बिकॉज ऑफ यू, इट्स बिकॉज ऑफ यू। मैंने कहा नहीं यार ऐसा मत बोलो, सो इज़ अ वंडरफुल बॉय, वेरी नाइस गाय, और ये अच्छा लगता है कि आज की पीढ़ी भी जो है, जो हमने काम किया तो हम तो कोई उस पीढ़ी से लगनी हुए कि मैं भी इतना वो बूढ़ा नहीं हो गया, बट ठीक है आई हैव वर्क्ड सिंस 99, तो भी एक बहुत चैलेंजिंग एक रोल होता है कि जब आप मतलब इतने साल काम करें और टिक पाएँ, और आज भी आपको सलमान भाई मिलते हैं तो गले मिलके, शाहरुख भी गले मिलता है, सभी बहुत प्यार देते हैं, इज्जत देते हैं, डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स जितने भी हों, जावेद भाई जावेद साहब हों, जितने भी हैं, फरहान अख्तर हो, बहुत ही प्यार देते हैं सभी, बहुत मतलब ये एक मेरी, मैं तो कहता हूँ मेरी जो कमाई है। बातें हैं भूल भुलैया तेरे सपनों की गलियों में, यू कीप ड्राइविंग मी सो क्रेज़, दिल में तू रहती है बेताबी कहती है,
keep praying all day, all night long. Hare Ram, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Radha. लूटे लूटे ना मेरी जान. रास्ते में पास करते हैं ना, बट वो कभी रह नहीं पाया. तो आज पहली बार मौका मिला है, तो यकीनन जो मैंने देखा है तो उस हिसाब से मैं यहाँ सिर्फ छुट्टियाँ बनाने आऊँगा, काम करने नहीं आऊँगा. काम करते हुए होता नहीं है.